आज का ब्लॉग है वो है तिब्बतन मार्केट। हम लोग जाने वाले हैं एक्चुअली उस जगह का नाम है मजनू का टीला और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ना मतलब मैं जब से ब्लॉग बना रही हूँ ना तब से सोच रही हूँ कि मजनू का टीला जाना है बट किसी ना किसी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो फाइनली मैं जा रही हूँ मजनू का टीला जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी आई थिंक विधानसभा मेट्रो स्टेशन है और इसमें यहाँ ये जो है एक तिब्बतन मार्केट है। यहाँ पे तिब्बतन फूड और शाम में मैंने सुना है जैसा कि तिब्बतन डांस वगैरह भी होता है। तो आज हम जा रहे हैं देखने के तिब्बतन मार्केट को, तिब्बतन फूड एंजॉय करेंगे एंड क्या उसका एम्बियंस है वो देखेंगे और आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़रूर सपोर्ट करें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसा होने वाला है। मेरी हालत देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। थैंक गॉड मैं थोड़ी लेट से आई, शाम को मैं 4:30 निकली हूँ एंड अभी भी इतनी तेज़ धूप है ना। और हम पहुँच चुके हैं मजनू का टीला। पहले तो समझने में ही काफ़ी टाइम लगा कि है कहाँ क्योंकि लोकेशन तो आपको पता ही है कि मजनू का टीला एक लोकेशन है, उसको फाइंड करने में तो ऐसा टाइम लग गया। तो अभी बहुत ही नैरो रोड्स एंड इन लेन्स हैं तो देखते हैं। ये क्या है? अभी क्या बोल रहा है? पता नहीं बताया ही नहीं। ये तो अचार है पर ये क्या है? कोई नहीं एक्सक्यूज मी, ये क्या है? मीट है, सूखा मीट। इसीलिए मेरे को नहीं बता रहा था, डर जाएगी। Thank you.
ओरियो रोल आइसक्रीम का बना रही है। नहीं करूँगी खाने के लिए, पता नहीं मैं क्या खा ली। और अभी हमने लाफिंग खाया जो कि बहुत तीखा था और कोल्ड ड्रिंक भी ठंडा नहीं था तो मैंने नहीं पिया, एंड पूरा भी नहीं खा पाई मैं, मतलब एक दो बार खाया और उसके बाद मैं निकल गई। तो अभी यहाँ पे द रूट्स का है, भूख तो उतनी है नहीं क्योंकि फिर से खा कर निकली थी, फिर भी जाके देख लेते कि क्या है यहाँ पे खाने के लिए स्पेशल। तो चलो देखते
कुछ भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, नाफिंग बकवास। वो तो क्या नहीं, मतलब नया जगह है वो, तो उस जगह का टेस्ट करने के लिए खा लिया एंड उतना ही बकवास। पास्ता तो फिर भी काम चला था। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, एक तो इतनी गर्मी थी वहाँ और मतलब जो मैंने खाना ऑर्डर करा था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से मेरा मूड हो गया था खराब। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस, तो मैं बस यही कहूंगी कि जैसा मैंने सोचा था ना मजनू का टीला, वैसा तो मुझे नहीं लगा कुछ, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा मजनू के टीला के साथ। मतलब अभी तक जितना भी ब्लॉग्स बनाया ना मैंने, उन सब से कंपेयर करके बोल रही हूँ। हाँ, और तो जाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, नई जगह जाने के लिए अच्छी जगह है, जा सकते हो आप। तिब्बतन मार्केट है, थोड़ा सा वहाँ का कल्चर हल्का पता चल सकता है आपको। वहाँ पे मैंने वहाँ पे जो मैंने लाफिंग कुछ था वहाँ पे मैंने खाया था, मैंने आपको अपने वीडियो में देखा होगा, तो वो खा के तो मेरा लाफिंग ही खत्म हो गया भाई। इतना तीखा था, मैं ना पूरा नहीं खा पाई। एक बार खाया इतना तीखा लगा, फिर मैंने सोचा हो सकता पहली बार खा रही हूँ तो इसलिए लग रहा हो। फिर दूसरा बार मेरा इतना तीखा, और फिर मैंने जब कोल्ड ड्रिंक ले जाया तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, क्योंकि इतने लोग आते हैं लेते जाते हैं तो वो ठंडा हो नहीं पाता बार बार फ्रिज खुलने के कारण। एंड फिर मैंने सोचा शुरू हो सकता है ये ऐसा ही होता है। एंड मैं घूम रही थी और फिर रेस्टोरेंट में गई, रेस्टोरेंट इतना सुंदर, मतलब सच में मतलब दिल खुश हो गया वो रेस्टोरेंट देख के ना। मैं कहा यहाँ का तो खाना बहुत अच्छा होगा। जब लाया और सर्व किया ना तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर खाने के बाद मतलब पूछो मत, मतलब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोमोज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, ऐसा है ना कच्चे पत्ता को भी लग रहा था कि उसमें स्टफ किए हुए हैं वो भी। आई मीन पास्ता थोड़ा बहुत ठीक था, बस वहां पे जाकर अगर कोई बियर वियर पीता है तो वहां पे जाके पी सकते हैं। देखो ना कि छत पे बैठ के मतलब वैसे रूफ टॉप पे बियर पीने का मजा लेना चाहते हैं तो वहां पे जा सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंट फील करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, और वहां पे जो भी मार्केट था ना वो काफी ज्यादा महंगे थे, वो लेने लायक नहीं। इससे जो तो अगर शॉपिंग करनी है ऐसे ही जैसे वहां पे रास्ते पे था तो वो आदमी हम लोग सरोजनी से बाय कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उतना खराब भी नहीं था, पर हाँ उतना अच्छा भी नहीं था। ये वन टाइम प्लेस है, आप जरूर से जाएं, अच्छा लगेगा आपको भी थोड़ा सा अलग फील करके। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप लोग मुझसे ऐसे ही कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।